अच्छा इमरान खान अब हमें सिखाएंगे कि देश कैसे चलाना है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। मुझे याद है संयुक्त राष्ट्र के सामने भारतवर्ष के विदेश विभाग ने पाकिस्तान को लेकर एक टिप्पणी की थी। दो बार उस शब्द का प्रयोग किया था, मैं पुनः उस शब्द का प्रयोग करता हूं, टेररिस्तान। दरअसल पाकिस्तान टेररिस्तान है और अब टेररिस्तान कह रही है कि वो मानवता सिखाएगी भारतवर्ष को। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में खुद जिसको सीखने की आवश्यकता है, ओसामा बिन लाडेन को जो अपने पिछवाड़े में छिपा के रखते हैं अपने घर के आंगन में कुटीर छवाकर, जो उसे आतंकवादी तक मानने से तैयार नहीं होते, जो कांग्रेस जो इमरान खान और जो वहां की नीतियां हैं वो जिस प्रकार से तालिबान को अपना मानती है, जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर वहां अत्याचार करती है, वो आज यहां हमें सिखाएगी। हाँ हाँ, उससे कांग्रेस पार्टी जरूर शिक्षा लेती है, इमरान खान को फरिश्ता मानती है और कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि जो हमें पाकिस्तान ने दो दिन में दिया है जिंदगी भर में हमें नहीं मिलेगा, मगर वो बाकियों को सिखाने की कोशिश नहीं करें। पहले अपने ही सिटीजन्स के लिए रोटी का जुगाड़ कर ले पाकिस्तान, वहां भुखमरी की स्थिति चल रही है, और भारतवर्ष को बाद में शिक्षा दे। यस देखिए, केरल की सरकार जिस प्रकार से एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, एक सेंसिटिव इशू पर जिस प्रकार से वहां वो टैकल नहीं कर पा रही है, ये सारा विषय जनता के सामने है। जनता जनार्दन होती है, जनता इलेक्शन में इसका जवाब देगी। सी, एज फार एज द केरल गवर्नमेंट इज कंसर्न, द इनसेंसिटिविटी ऑफ द केरल गवर्नमेंट ऑन एक्सट्रीमली सेंसिटिव इशू, it has come to the forefront. People, in fact, are watching all this. It's a democratic country, and come elections, people will give a befitting reply to the Kerala government. Thank you, friends.